कहते हैं चलना ही जिंदगी है, इसीलिए जिंदगी हर हाल में चलती ही रहती है। जिंदगी के पूरे फलक पर बिखरे रंग चित्रों में बदलते रहते हैं। वक्त ही बनाता है ये चित्र और वक्त ही इन्हें मिटा भी देता है। अरे भैया, दो इडली बना। वो जमाना गया भैया, एक रुपए में एक ही इडली आता है, दे दूं? ठीक है, दे दो। सिंगन्ना, अब ये नाम लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता, कोई इसे मान नहीं देता, कोई इसे वाहवाही का ताज नहीं पहनाता। भला किसी खंडहर को उसके अतीत की बुलंदी के लिए नवाजा जाता है? नहीं ना, सिंगन्ना को भी आज कोई नहीं पूछता। लेकिन वक्त की जिस बेरहमी ने सिंगन्ना को इस हाल में पहुंचाया, उसी ने तब उसे ताज भी पहनाया था। उसका वो जलवा भी देखा था जिसमें शामिल था मान, शान, जय जयकार और सिंगन्ना और लक्ष्मी का बेइंतहा प्यार। हमेशा की तरह आज भी यह प्रतियोगिता सिंगन्ना ने जीती है, इसलिए आज का 500 रुपए का इनाम मैं सिंगन्ना को देता हूं। अमरावती के गौरव, हमें तुम पर नाज है। Thank you.
यार ये सिंगन्ना जैसा दूसरा ढूंढे नहीं मिलेगा। भाई कमाल की ताकत है उसमें, जिस पत्थर को 10 लोग मिलकर नहीं उठा सकते उसे वो अकेला उठा लेता है। अरे गांव का ही नहीं पूरे इलाके का हीरो है। जब पत्थर उठाता है ना तो लड़कियां तो हाय सांस रोककर देखती रहती है उसे। अरे मैंने पिछले दशहरे में जब उसे पत्थर उठाते देखा था ना तो मेरी सांस ऐसी रुक गई कि मैं तो मर मिटी। अरे तू तो फिर भी बच गई, लेकिन पत्थर उठाने वाले को लक्ष्मी उठा ले गई। ये ले सिंगना, वो वाला वो सारे फूल देख। क्या है लक्ष्मी, फूल क्यों बर्बाद कर दी? बर्बाद क्यों, देवता पर फूल चढ़ा रही हूँ। मैं देवता हूँ क्या? पत्थर का देवता? नहीं, मेरे देवता हो। क्या बोली? नहीं सुना तो जाने दो, बार बार नहीं बोलती मैं, शर्म आती है मुझको। अच्छा क्या क्या कर प्यार कर और क्या। लक्ष्मी की अम्मा कहती है लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए। अरे रमन्ना वैसा ही होगा, लड़का पढ़ा लिखा ही होगा। भाई मेरे को मालूम है ना कि अपनी लक्ष्मी पढ़ी लिखी है, तो फिर लड़का भी तो वैसा होना चाहिए ना। चाहिए ना। मैं खबर लेके आता हूँ, ठीक है? अब मैं चल रहा हूँ। अच्छा नमस्कार। अच्छा नमस्ते। ध्यान रखू। अरे हमें ध्यान है। क्या बातें हो रही है अम्मा, क्या खबर लाने वाले हैं गोपाल लैया गारू? तेरी शादी के लिए लड़का ढूंढने को बोला है। तेरी अम्मा कहती है लड़का पढ़ा लिखा चाहिए। अब बेटी तू बोल, तुझे कैसा लड़का पसंद है? पापा मैं क्या बोलूं? अरे शर्माते काहे हो, अभी तो बड़ी हो गई है, माँ बाप को तेरी शादी की फिक्र तो होगी ना। बता दे तेरे बाबा को कैसा लड़का पसंद तेरे को। हाँ हाँ बेटी बोल तू, तुझे जैसा लड़का पसंद है वैसा ही ढूंढ के लाऊंगा। जैसा पसंद है वैसा ही ढूंढ के लाओगे? वैसा ही, मगर मिलना चाहिए ना। बाबा अगर वैसा लड़का मिल गया हो तो? क्या बोलती है तू लक्ष्मी, कौन है वो? अम्मा वो सिंगन्ना। सिंगन्ना वो वजन उठाने वाला पहलवान? हाँ वही। मगर लक्ष्मी। बाबा वो भी मुझे पसंद करता है। बस भी करो ना, कितना खिलाओगी? सारा, जितना बनाया सारा। अच्छा
और तुम्हारा क्या होगा? मेरा मेरा पेट तो तुम्हारे प्यार से ही भर जाता है। एक दाना भी नहीं खाऊंगा अब मैं। हाँ जानते हो तुम्हारे हाथ का खाना खा खा कर कितना, देख कितना मोटा होता जा रहा है। मोटा नको, उल्टा ताकतवर होते जा रहे, समझे? अच्छा है ना, फिर तो और भी भारी पत्थर उठा सकूंगा, है ना? सिंगन्ना, मैं जानती हूँ जो तुम करते हो वो कोई नहीं कर सकता। तुम्हें इसी से इतनी इज्जत और शोहरत मिली है, लेकिन लेकिन क्या लक्ष्मी? सिंगन्ना, जब भी तुम भारी पत्थर उठाते हो तो मुझे बहुत डर लगता है, मेरा दिल कांपने लगता है। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, इसलिए। वाकई लक्ष्मी सिंगन्ना को बहुत प्यार करती थी। सिंगन्ना लक्ष्मी की जिंदगी था और लक्ष्मी भी तो सिंगन्ना की जिंदगी थी। सिंगन्ना, ओ सिंगन्ना। अरे कैसे हो पोलैया, क्या बात है? मैं तो अच्छा हूँ, इसीलिए तो चलकर तुम्हारे गांव तक आ गया, पर लगता है तुम कुछ बीमार हो। बीमार? मैं कब बीमार था? अरे भाई शादी के कुछ दिनों बाद तक आदमी को इश्क की बीमारी होती है, इसीलिए तो तुम अपने आप को घर में बंद रखते हो। पहले से कुछ कमजोर हो गए। पागल हो गए हो? अरे शादी के बाद पहले से दुगना खाना खाते हो, मैं बोले कैसे कमजोर हो सकता? ये बात तो चलो हमारे गांव। तुम्हारे गांव किस लिए? भाई हमारे गांव में एक बड़ा सा 1.5 क्विंटल का पत्थर है, जिसे आज तक कोई नहीं उठा पाया। जो भी उसे उठा लेगा उसे 1,000 रुपए इनाम के तौर पे दिया जाएगा, और हम लोगों को यकीन है कि ये कारनामा तुम जरूर कर दिखाओगे। बोले यह सिंगन्ना ने आज तक जिस पत्थर को हाथ लगाया उसे उठा कर ही छोड़ा, जैसे भी कर दिखाऊंगा, लेकिन आज नहीं फिर कभी। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम कमजोर हो गए हो। अरे नहीं ऐसी बात नहीं। तो फिर क्या बात है सिंगन्ना, मैं जानता हूं। अरे सीधी तरह कहो ना कि तुम उठा ही नहीं सकते। इसका मतलब है पोलैया तुम सीधे सीधे मुझे ललकार रहे हो। ठीक है, कल मेरा इंतजार करना, कल सुबह 10 बजे गांव वालों को इकट्ठा करके रखना, मैं उनके सामने उठा कर दिखाऊंगा। ठीक है सिंगन्ना। सिंगन्ना क्या रे? बोलैया था क्या? हाँ चला क्या? मैं उसके लिए दूध लाई। लक्ष्मी कल पोलैया के गांव जाना है, 1.5 क्विंटल का पत्थर उठाने को 1,000 रुपये का इनाम रखा है। 1.5 क्विंटल? 1.5 क्विंटल तो बहुत वजन होता है जी। तो काहे को फिक्र करती है, तेरे को उठाना है। नको, पर वजन बहुत होता है जी। लक्ष्मी तू फिक्र मत कर, दूसरा कोई उठा नहीं सकता, लेकिन तेरा यह सिंगना जरूर उठाएगा। अम्मा, मेरे सिंगन्ना को आशीर्वाद देना, पत्थर उठाने की ताकत देना, जीतेगा तो खुश होएगा, मुझे भी खुशी होगी। मेरे को जिताना अम्मा, लक्ष्मी का मान रखना, मुझे उसकी ही खुशी चाहिए बस।
डॉक्टर साहब, कैसा है सिंगन्ना? उनका ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा, शायद उनका पाव भी काटना पड़े। क्या, पाव काटना पड़ेगा? हाँ, ये फॉर्म है, उनके रिश्तेदारों की इस पे दस्तखत ले लो। लीजिए, दस्तखत कर दीजिए। लक्ष्मी, उठ उठ जा, आराम आराम से, आराम से। हाँ, तो थोड़ा सा भी डॉक्टर बोलते थे तेरे को सदमा लगा, अरे पगली नहीं है, जो होना था हो गया, उसका गम करके क्या फायदा है ना? देख लक्ष्मी, एक पाव पर मेरी जिंदगी खड़ी लक्ष्मी, मगर मुझे जिंदा रहने के लिए तुम्हारे सहारा चाहिए, तुम्हारे सहारा चाहिए। मैं हूं ना, तू काहे को फिक्र करता है, सब ठीक हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगी, तू अपना ख्याल रख। लक्ष्मी, तू जल्दी से अच्छी हो जा, तो अच्छे होने के बाद हम नदी में नहाएंगे, फूल चुनेंगे, तू माला बनाना, मंदिर में दुर्गा अम्मा के लिए माला चढ़ाएंगे, तो जल्दी अच्छे हो जा। थोड़ा सा दूध पी ले, थोड़ा। हादसे का सदमा लक्ष्मी की रूह तक को जख्मी कर गया। लक्ष्मी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। सिंगन्ना दिन रात उसकी सेवा में लगा रहा, मन्नतें मांगी, दुआएं की, लेकिन लक्ष्मी जल्दी ठीक होने का अपना वादा नहीं निभा सकी। जिंदगी में पहली और आखिरी बार उसने अपने सिंगन्ना की बात नहीं रखी। धोनी को कौन टाल सकता है सिंगन्ना? धीरज रखो, खुद को संभालो। जब मुझे संभालने वाला ही चला गया, मैं खुद को कैसे संभालूं? तुम्हें इतना चाहती थी कि तुम्हारी इस हालत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई बेचारी। अरे पर यह सदमा मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? करना पड़ता है सिंगन्ना, जिंदा आदमी को हर सदमा बर्दाश्त करना पड़ता है।
नमस्कार 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 भगवान की ऐसी गाज किसी पर भी न गिरे जो इस बेचारे सिंगन्ना पर गिरे। हाँ भाई, देखते देखते एक पहाड़ जैसा इंसान रेत जैसा ढह गया। देखिए देखिए, अब तो बेचारी को अपनी सूद बूद नहीं है। कभी बड़ा से बड़ा पत्थर उठा लेता था, मगर आज देखो जिंदगी उस पत्थर से भी भारी हो गई है बेचारी। दर्पण हे माटी प्यास है, माटी पानी, चेहरा चेहरा लिखी कहानी, बात वही कहने के ढंग कई रे, एक जात माटी के रंग कई रे। नाम क्या है? लक्ष्मी।